गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 8 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.1। जो हमारा नेक्स्ट यूनिट 2 है उसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। इसका मीनिंग ये रहता है कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे वो विद इन वन वेरिएबल होंगे। जैसे कि पहले तो वेरिएबल होता क्या है, तो वेरिएबल्स ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जो ए से लेके जेड तक आते हैं, तो वेरिएबल्स। पहला क्या आ गया, वेरिएबल्स। वेरिएबल हो गया हमारे पास स्मॉल ए बी सी डी सो ऑन अप टू जेड, सारे के सारे अल्फाबेट्स जो ए से लेके जेड तक आते हैं। पर मैक्सिमम केस में बुक में सिर्फ ए बी सी डी एक्स वाई जेड यही कुछ वेरिएबल्स लिखे हुए मिलते हैं। तो वेरिएबल्स को मिला के एक इक्वेशन बनता है और सिंगल वेरिएबल इक्वेशन ऐसे होगा। ये कौन सा इक्वेशन है, सिर्फ वन वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल इक्वेशन। ये वन वेरिएबल इक्वेशन या सिंगल भी बोल सकते हैं, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हम सिर्फ एक्स की वैल्यूज निकालते हैं, सिंगल वेरिएबल का आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है एक्सरसाइज 2.1 से, एक्स माइनस टू इक्वल्स टू सेवन। तो x इक्वल्स टू सेवन प्लस टू हो गया, तो सेवन और टू कितने होते हैं, नाइन। x प्लस टू, सेवन प्लस टू कितना हो गया, नाइन। थोड़ा सा साथ में और डिस्कस कर लेते हैं, अगर कोई भी टर्म या डिजिट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आता है तो वो साइन चेंज करता है। अगर यहां माइनस का होगा तो यहां पे आके किसका हो जाएगा, प्लस का। किसका होगा, प्लस का, तब जाके क्या आएगा, सेवन प्लस टू नाइन। हमेशा इक्वेशन में दो साइड्स रहते हैं, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में दो साइड्स थे, तो इस वाली साइड को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और इस वाली साइड को राइट हैंड साइड, दो साइड्स होंगे। तो हमें इन दोनों को दोबारा देख लो, एक्स माइनस टू इक्वल्स टू सेवन इसी क्वेश्चन का था, तो इस साइड दो साइड्स होंगे, एक साइड लेफ्ट एक साइड राइट, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इसको राइट हैंड साइड बोलेंगे। हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है। हम इसी के साथ क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए जो एक्स की वैल्यू है वो हम लेफ्ट हैंड साइड डालेंगे, हमारे पास एक्स के लिए नाइन है तो सेवन आ गया, तो नाइन इक्वल्स टू नाइन हो गया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। दोबारा देख लेते हैं, हमने पहले क्या किया, क्वेश्चन राइट किया, ये वन वेरिएबल इक्वेशन है एक्स माइनस टू इक्वल्स टू सेवन। हमने एक्स इधर लिखा, जब माइनस का टू था तो लेफ्ट से जब राइट हैंड साइड गया तो वो प्लस का हो गया, तो सेवन प्लस टू नाइन होता है। और हमने ये इक्वेशन इसलिए लिखी है कि इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इक्वल्स टू के दूसरी तरफ को राइट हैंड साइड। हमने क्वेश्चन को चेक भी किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा एक्स माइनस टू, एक्स की जो वैल्यू आई थी वो एक्स की पोजीशन पे रख दी, तो नाइन माइनस टू इक्वल्स टू सेवन हुआ, तो नाइन इक्वल्स टू नाइन। तो इससे हमें पता लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होती है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू भी दोबारा वन वेरिएबल इक्वेशन है, y प्लस थ्री इक्वल्स टू टेन। तो इस क्वेश्चन में टेन प्लस थ्री है, जब ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो किसको हो जाएगा, माइनस का, y की वैल्यू कितनी आ गई, सेवन। तो वह चेक किसी साइड को कर लेते हैं, चेक
चेक करेंगे y प्लस थ्री, वाई की वैल्यू कितना आया 7 प्लस 3 10, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 इक्वल्स टू जेड प्लस 2। तो अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे, जेड प्लस 2 को पहले लिख लिया, 6 को बाद में। हम अब सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 को परली साइड, या एक और तरीके से भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्टिंग टू फ्रॉम बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ 2 से सब्सट्रैक्ट करें तो 2 से 2 कट गया, z बचा और 4। अब इसी क्वेश्चन को जैसे हमने पहले किया क्वेश्चन वैसे सॉल्व करते हैं, z प्लस 2 इक्वल्स टू 6, तब जो 2 है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो साइन माइनस का 2 बन जाएगा, तो 6 माइनस 2 हो गया, 6 माइनस 2 हो गया, तो आंसर कितना है अगेन 4 आया। तो हम क्वेश्चन को किसी भी टाइप से करें तो हमारा आंसर सेम आएगा। हम चेक कर लेते हैं, जेड प्लस 2 तो जेड की वैल्यू 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6, तो राइट हैंड साइड आ गई, तो ये किसके बराबर है लेफ्ट हैंड के। ओके, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 6x इक्वल टू 12, 6x किसके बराबर है 12 के, तो x 12 के इधर गया, तो 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, हुआ क्या 6x था 12 था, इसके नीचे 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 नीचे गया 1 ऊपर, तो x इक्वल टू 12 ओवर 6, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, सबको समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं एक बार, 6x लिखा इक्वल टू 12 था, तो 6x के नीचे 1 होता है, 12 के नीचे भी 1, किसी भी टर्म डिजिट वेरिएबल के डिनोमिनेटर पे कुछ ना हो तो हम 1 लगा सकते हैं। हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की 1 से 12 को, 12 वन जा 12, 6 वन जा 6, तो काटा आंसर आ गया। हम इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, हमने एक क्वेश्चन चेक किया तो 6x था, 6x की वैल्यू 2 आई, तो आंसर कितना आ गया अगेन 12 आ गया। अब हमारे पास इसी का फिफ्थ क्वेश्चन रहता है, 3/7 प्लस x 17/7। अब क्वेश्चन रैशनल नंबर या फ्रैक्शन वाले टाइप में आ रहा है, तो हम दोबारा से वही करेंगे, ये वाला पूरा की पूरा टर्म यहां से जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये प्लस में है। अगर किसी भी इक्वेशन के फर्स्ट नंबर वेरिएबल के साथ कुछ ना लगा हो तो हम प्लस लगा सकते हैं, 17 माइनस 3/7, तो अब डिनोमिनेटर पे दोनों जो टर्म्स हैं वो सेम है, तो एलसीएम 7 ही आएगा, तो 17 माइनस 3 दैट इज 14/7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2 आंसर आ गया। हम चेक करेंगे, हमने चेक किया तो हमारे पास क्वेश्चन में आ गया 3/7 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है 2, 17/7। अब अभी बताया 2 मिनट पहले मैंने कि जब किसी भी टर्म के नीचे कुछ ना हो तो हम क्या लगाते हैं 1, हमने इस साइड एलसीएम लिया तो 7 आया,
अब 7 से 7 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 3 7 2 जा 14 इक्वल्स टू 17/7, दैट इज 17/7 इक्वल्स टू 17/7। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड के। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी के जैसा है, टी अपॉन 5 इक्वल्स टू 10। तो टी अपॉन 5 इक्वल्स टू 10, नीचे 1, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, टी इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 1 था तो 50 आंसर आया। कितना आंसर, 50 आंसर आ गया। ओके okay?